नमस्कार, मैं प्रज्ञा झा और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। हिम्स प्रीमियर गुरुग्राम के बारे में कई चीज़ें जिक्र हो चुकी हैं। अभी तक कई ऐसे पेशेंट्स को हम आपसे रूबरू करा चुके हैं, मुखातिब करा चुके हैं, जो यहाँ से ठीक हो चुके हैं, यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे थे और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी महसूस कर चुके हैं। अभी मेरे साथ जो पेशेंट मौजूद हैं वो गाज़ियाबाद से यहाँ पे गुड़गांव में मौजूद हैं और इनका नाम है सुमित जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने जैसे डॉक्टर से बात की है आपके बारे में, आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने मेरे से जिक्र की है, किडनी, बीपी, यूरिन में आपका झाग ज़्यादा आता था, स्लीप डिसऑर्डर था, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। ये सारी प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम कब से आपको हो रही है सारी? ये ग्रेजुअली बढ़ी हैं, ब्लड प्रेशर का, किडनी की प्रॉब्लम और शुगर की, डायबिटीज़ भी थी, जो अप्रॉक्सीमेटली 5 साल पहले मुझे डायग्नोज हुआ था। और तब से मैं मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ इनके लिए। अच्छा, मेडिसिन मतलब किसी और पैथी की या ऐसी? एलोपैथी की मेडिसिन ले रहा हूँ मैं। अच्छा। तो और ये चीज़ें, बाकी और चीज़ें ऐड ऑन होती चली गई ओवर द टाइम। दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी इसके लिए और या किसी और? कुछ भी हो सकता है, आई रियली डोंट नो। लेकिन हाँ, मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा था। कई चीज़ें जो रिपोर्ट्स मेरी थी वो वैसे ही स्टेबल थी या ख़राब हो रही थी, लेकिन कोई बहुत पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट नहीं लगा था। पहले का ये था। हिम्स प्रीमियर के बारे में आपने कहाँ से जाना और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दी गई है इससे क्या इम्प्रूवमेंट है आपके? हिम्स प्रीमियर के बारे में मुझे यूट्यूब से पता चला। मैं पोस्ट कोविड डॉक्टर BRC के यूट्यूब पे वीडियोज़ देखता था। डाइट चार्ट मैंने DIP डाइट फॉलो करनी शुरू की थी और उसका बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लगा था मुझे अपनी हेल्थ पे। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू कोविड पीरियड में सारा वो रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और प्रॉब्लम आ गई। तो अभी मैंने रिसेंटली हिम्स के बारे में मुझे अपने कलीग ने बताया एक। अच्छा। उनसे पता चला, फिर मैं लास्ट वीक यहाँ पे आया, मिला डॉक्टर से। क्या आप मुझे बता सकते हैं इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ से हम शुरू करते हैं कि आपका शुगर लेवल अब क्या है और पहले क्या था? पहले मेरा फास्टिंग पे शुगर लेवल 240-250 के आसपास रहता था, जो अब पिछले 4-5 दिन से विदाउट मेडिसिन 120-130 की रेंज में आ गया है और नॉर्मली ऐसा ही मेंटेन होता है। मेंटेन है अभी तक। BP के बारे में क्या? BP में भी ड्रास्टिक चेंज है। मेरी मेडिसिन ग्रेजुअली कम की और 4 दिन पहले मैंने सारी मेडिसिन बंद कर दी और BP बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। नॉर्मल आ चुकी है। क्रिएटिनिन लेवल पहले क्या था और अभी क्या है? नहीं, अभी मैंने क्रिएटिनिन तो यहाँ पे चेक नहीं कराया, बट जब मैं आया था तब 3.5 के आसपास का क्रिएटिनिन लेवल था। अच्छा। और बताया गया कि आपके यूरिन से भी झाग वगैरह ज़्यादा आता था? जी, यूरिन से यूरिन में झाग आता था मुझे काफ़ी ज़्यादा। यूरिन आउटपुट कम था जो वीडियो किडनी क्लिनजिंग के बाद उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। अच्छा। यूरिन आउटपुट भी बेटर हुआ है और रात को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वगैरह के लिए भी उठना पड़ता है, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। अच्छा। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया कि आपको स्लीपिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, कि नींद थोड़ा कम वगैरह आती थी ऐसा? जी हाँ जी हाँ, रात को बार बार मैं उठता था नींद में। और आज राउंड पे जो डॉक्टर अभिलाषा मेरे पास आई थी तो मैंने उनको ये बोला कि शायद आज मैं सालों बाद इतनी अच्छी नींद में सोया था। सालों बाद ये चीज़ हो रही है। और बाकी बात करें आपके डाइजेशन की, तो वो उसका क्या प्रॉब्लम? डाइजेशन मुझे गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा। तो उसमें बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क है। और कार्डियक इशू के बारे में भी जिक्र है ऐसा कुछ? कार्डियक इशू भी था मुझे, तो उसके लिए भी मेडिसिंस और जूसेस वगैरह बताए हैं, मैं ले रहा हूँ, लेकिन उसका जब इन्वेस्टिगेशन होगा फर्दर तो पता चलेगा। बट अदरवाइज ब्रेथलेसनेस वगैरह जो थोड़ी सी रहती थी वो बिल्कुल नहीं है। आपने बताया कि आप 1 वीक से यहाँ पर हैं और 1 वीक में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है? मुझे पंचकर्मा डेली हुआ है, हॉट वाटर इमर्शन, उससे बहुत सिग्निफिकेंटली मुझे हॉट वाटर इमर्शन के में बैठने से पहले BP मेजर करते थे और 1 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद जब मेजर करते थे तो सिग्निफिकेंटली उसमें दिखता था रीडिंग में कि BP कम हुआ है।
तो ये बीपी और शुगर के सिग्निफिकेंट जो रीडिंग्स हैं वो तो मुझे विजिबल हैं कि फ़र्क है। क्रिएटिनिन वगैरह या हार्ट का इशू जब टेस्ट होंगे तब पता चलेगा, बट इन दो चीज़ों में और मुझे अपनी फिजिकल कंडीशन में बहुत फ़र्क लगता है। तो मतलब आपको आपके शरीर में क्या क्या चीज़ें फ़ील होने शुरू? मैं बहुत थकान फटीक बहुत फील करता था, थका थका रहता था। मॉर्निंग में भी उठने के बाद यही होता था, नहीं और लेट ही रहो थोड़ी देर। वेयर एज अब बहुत एनर्जी लेवल्स बहुत बेटर हैं, बॉडी बहुत लाइट फील होती है। और यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे कि यहाँ जो और ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं? देखिए, मुझे किडनी क्लींजिंग हुआ, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। पंचकर्मा वगैरह से बहुत फ़र्क लगा बॉडी एक में। जीरो वोल्ट थेरेपी, अच्छा। उससे भी नींद वगैरह में बहुत फ़र्क आया है। अच्छा। डाइट फॉलो करने से बहुत इम्पैक्ट है। बहुत शुक्रिया सुमित जी, आपका आपने जानकारी दी कि अब एक ड्रास्टिक चेंज आपके बॉडी में देखने के लिए। थैंक यू सो मच।